अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमाज किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड पैटिस। चले देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 से 1.5 कप चिकन है बॉयल। मैंने बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल ली थी, और ये इसको बॉयल करके इसको मैंने रेशा कर लिया है। ये मेरे पास 8 पीस ब्रेड के हैं, और ये मेरे पास 2 से 3 जवे लहसुन चॉप, ये 3 खाने के चम्मच गाजर है, ये भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये मेरे पास 1 छोटी शिमला मिर्च, इसको भी बारीक काट लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें ना डालें, और वैसे भी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाल दी हैं कि थोड़े से हमारे पैटिस ज़रा चटपटे से हो जाएँ। और ये 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास मायोनीज़ है जो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे, चलें इसको पकाते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले इसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें डाल दूंगी ये मैं लहसुन चॉप, लहसुन को 1 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूंगी। ये 1 मिनट के लिए मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया। आप इसमें यह डालूंगी गाजर, शिमला मिर्च, और साथ ही ये हरी मिर्चें भी चली जाएंगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करूंगी। ये बहुत ही मज़े के पैटिस बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खुद भी आप चाय के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, और इसको इसमें मिक्स करूंगी मसाले को। हमने वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने 1 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसमें ये इसमें बॉयल चिकन चली गई सारी, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स करूंगी। एक से 1.5 मिनट के लिए मैंने स्टफिंग पका ली है। अब इसको मैं किसी बोल में डाल के ठंडा कर लूँगी। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, और ये ठंडी भी हो रही है। अब ये जो मैंने 8 पीस ब्रेड के लिए हैं, ये 1 से 2 मैं लूँगी, और इसके किनारे कट करूँगी। ये 2 पीस मैंने लेके इसके किनारे काट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको बेल लूंगी ताकि ये हमारी शीट तरह बन जाए। ये देखें, इस तरह हम इसको पतला सा शीट की तरह कर लेंगे। इसी तरह मैं ये दूसरी ब्रेड भी लूंगी। ये सारी ब्रेड हम इसी तरह किनारे काट के इस तरह इसको बेल लेंगे। ये लास्ट वाला पीस भी हमने इसी तरह देखे बेल लिया है। ये सारे हमारे तैयार हैं, अब हम इसमें स्टफिंग तैयार करेंगे। अभी 1 ब्रेड का मैंने पीस लिया, इसके ऊपर मैं मायोनीज लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे चिकन की। इसको मैं इस तरह फोल्ड कर दूंगी, और इसके किनारे हम अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखें, इस तरह हम दूसरा पकड़ेंगे अब पीस, और इसी तरह इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। अब स्टफिंग रखेंगे साइड पे करेंगे इसको, और इसको मैं फोल्ड कर दूंगी, और इसके हम किनारे बंद कर लेंगे। इसी तरह मैं ये सारे पीस तैयार कर लूंगी पैटिस के। ये सारे हमारे पैटिस तैयार हो गए हैं, ये देखिए इस तरह मैंने सारे कर लिए हैं। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। और ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। अब मैं क्या करूँगी, ये पहले अंडा लगाऊंगी इसको। ये अंडा लगा के अब मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। अब इसको ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं,
ये देखिए इस तरह हमारा ये पैटिस तैयार हो गया है। इसी तरह मैं ये दूसरा भी पकड़ूंगी, इसको अंडे में डालूंगी, ब्रेड क्रम्ब लगा के, ये क्रम्स लगा के अब मैं सारे पीस इसी तरह तैयार कर लूंगी। ये सारे पैटिस को अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए, चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक पीस करके डालेंगे। आपने इसको मीडियम आंच पे करना है ताकि जल्दी से ये गोल्डन कलर हो जाए, क्योंकि अंदर से हर चीज़ पकी हुई है। एक तरफ से गोल्डन कलर हो चुका है, अब इसकी मैं साइड चेंज करूंगी। और दूसरी तरफ से भी इसको मैं गोल्डन करूंगी। ये गोल्डन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी और इसी तरह दूसरे फ्राई करके हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ये सारे निकाल लेंगे। ये कितने ज़बरदस्त हमारे पैटीज तैयार हुए हैं, ये आपको एक मैं खोल के दिखाऊंगी, बहुत ही गर्म है। ये कितने ज़बरदस्त और यमी हमारे चिकन ब्रेड पैटीज तैयार हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।